दैनिक दिनचर्या में कभी कभी आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही उच्च पदों पर आसीन रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद आपको हताशा होती है कि ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा कैसे। और कभी कभी आपको ये बात भी समझ में आती होगी कि ये व्यक्ति जो कि इतना योग्य है वो अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाता। दो सवाल हमारे मन में यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं कि क्या योग्यता का सम्मान होता है या नहीं होता है, और जो लोग बिल्कुल नाकाबिल हैं उनको सफलता कैसे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखते रहें। सबसे पहले तो ये होता है कि एक सही रणनीति अगर है आपके पास, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपको पहुंचना है। और अगर आपकी रणनीति गलत है तो आपकी सारी योग्यता यहां पर घुटने टेक देती है, यानी कि आप सफल फिर नहीं माने जाएंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी परीक्षा को आपको क्रैक करना हो, सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले तो आपको उस परीक्षा के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, वो भी बिल्कुल डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में गंभीरता से, गहराई से आपको अध्ययन करना चाहिए कि जिस भी परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं, जिस परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं, उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। और उसके बाद जब आप एक बार सिलेबस को अच्छे से बैठ के देख लें, जल्दबाजी में ना देखें, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि आप 10 ईयर के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उसको लेके एक अपनी स्टडी करें। और उसके बाद एक क्लियर कट कंसेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से बेहतर होता है कि आप अपनी राय खुद बनाएं कि इस परीक्षा के लिए क्या सही रणनीति होगी, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जान सकता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बातें होती हैं कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के आधार पर सबसे पहले आपको दो चीज़ों का चयन कर लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सिलेबस को पूरे कवर करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रश्नपत्र में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला वो टॉपिक जिससे प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एवरी ईयर हर वर्ष इससे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो टॉपिक आते हैं जिन पर जो सवाल होते हैं वो हर वर्ष नहीं पूछे जाते, आकस्मिक रूप से पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल कब पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको पता नहीं होता। और तीसरी श्रेणी में आप उन टॉपिक्स को रख सकते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, लेकिन इनसे सवाल कम पूछे जाते हैं, या आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये स्लीपर सेल की तरह आपके जो सिलेबस में पड़े रहते हैं और कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं। और जब सक्रिय हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके नियंत्रण में होती हैं उसको ये आपके नियंत्रण से बाहर कर देते हैं, यानी कि इनको आप सुसुप्त रूप से मान सकते हैं कि ये आपके सुसुप्त अध्याय हैं, सुसुप्त टॉपिक हैं। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तय करना चाहिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या कवर करना है। एक टाइम आपको सेट करना होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, और ऐसे सवाल जो कि एवरी ईयर या फिर अल्टरनेट ईयर पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, अगर यहाँ पे अगर आप गलती करते हो, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर यहाँ पे आपकी गलती होती है तो ये गलती कंपटीशन के लिए अक्षम में होती है। अगर इसमें गलती हुई तो आप सीधे हो जाओगे बाहर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐसे सवाल आते हैं जो कि इन्हीं सवालों में से होते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब घुमा कर जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको नॉलेज थोड़ा सा डीप होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, ताकि जब भी सवाल घुमा कर पूछे जाएं तो उसका सही जवाब आप दे सकें, यानी कि जो भी पढ़ें थोड़ा सा उसके बैक हिस्ट्री को भी जानें और शांत दिमाग से पढ़ें, और जब भी सवाल घुमा कर पूछे जाएं तो उसका जवाब दे सकने में खुद को आप सक्षम महसूस कर सकें। और उसके बाद तीसरा जो पोर्शन होता है सवालों का, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा उसको इग्नोर भी करते हैं, और वो होता है आपका करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहां पर अगर हम कवर करें टॉपिक के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में, तो टॉपिक जो भी है इसका एक अपना सिलेबस होता है, ठीक है, इसका एक सिलेबस है, इसके लिए क्या है बुक्स हैं, और ये जो होती है अस्थाई रूप से ये सवाल होते हैं, इनमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको आप स्टेटिक जीके के रूप में जानते हैं। इसमें अगर गलती तो नहीं चलती है, क्योंकि देखो जो कठिन सवाल होते हैं उनमें सबकी स्थिति तो एक जैसी होती है, लेकिन जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं, पिछले साल पूछे गए थे, पिछले एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल पहले या पिछले आठ साल पहले पूछे गए थे, अगर उन सवालों को आप गलत करते हो तो आपको इस कंपटीशन से बाहर होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश ये करो कि जो सवाल रिपीटेड हैं वो गलत बिल्कुल ना हो, खासतौर से पिछले 10 सालों का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से तो कोई सवाल ऐसा ना हो जो रिपीट हो और उसको आप गलत कर दो, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि देखो स्टैटिक जीके के सवाल के लिए सिलेबस होता है, बुक्स होती है, किताबें होती हैं, या इसे आप एक लाइन में कह देते हैं कि इनके लिए एक लिमिटेशन होती है, ये लिमिटेड होते हैं, एक निश्चित रूप से स्ट्रेटजी बना के इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है और जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, खासतौर से वो एस्पायरेंट जो कि प्रतिवर्ष बहुत ही कम अंकों से सफलता प्राप्त करने से चूक जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो करंट अफेयर्स को प्रतिदिन के बेस पे तैयार नहीं करते हैं, वो इतिहास को, भूगोल को, पॉलिटी को और मैथ को सब कुछ कवर करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको कवर कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को तब पढ़ना शुरू करते हैं जब परीक्षा करीब आ जाती है, और उसके 15 दिन पहले वो जाके मार्केट से एक बुक लेके आते हैं जो कि वार्षिकी के नाम से जानी जाती है, और फिर इस वार्षिकी में जो कि इनफाइनाइट है उसको 10 दिन में घोल के पीने की कोशिश करते हैं, जो कि असंभव कार्य है, और ये जो 10 दिन में आप घोल बना के पीते हो ना, यही आपके लिए विष का काम करता है। ये क्या करता है कि इस 10 दिन में आप सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को 10 दिनों में कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी बात यह कि इन 10 दिनों में आप अपने जो तैयारी किए हो स्टैटिक जीके के बारे में उसको आप कम रिवाइज कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट आपके इन तैयार टॉपिक्स पे भी पड़ रहा है, और परीक्षा वाले दिन क्या होता है कि मिला जुला के आप औसत दर्जे का प्रदर्शन कर पाते हो, और यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो लोग टॉप क्लास का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग बाहर हो जाते हैं। औसत दर्जे का जो प्रदर्शन होता है वो आपके एकेडमिक में ठीक है, आप हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, पीजी की परीक्षा दे रहे हो, वहाँ पर अगर आप एवरेज प्रदर्शन करते हो तो ठीक है, वहाँ पे आप पास हो जाओगे, लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टॉप लेवल का जो है डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाना होगा, टॉप लेवल का प्रदर्शन करना होगा, तभी आपको कुर्सी मिलने वाली है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, और सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट ये जो पोर्शन है आपके लिए, यही आपकी नैया को डूबो देता है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स। अब मैं देख रहा हूँ कि इस समय वर्तमान में कई सारी परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिनमें खास तौर से यूपी पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है, यूपी पीसीएस 2017 का मेंस होने जा रहा है, यूपी पीसीएस 2018 का प्री होने जा रहा है, और हमारे इस चैनल पर सबसे अधिक जो सब्सक्राइबर हैं वो शायद एलटी ग्रेड के हैं और टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो जो एलटी ग्रेड सब्सक्राइबर हैं वो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं कि मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उनके लिए तैयार करता हूं ताकि करंट पे उनकी पकड़ बनी रहे, लेकिन वो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि करंट को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो एक बात आप याद रख लेना कि अगर आप करंट को इग्नोर कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। प्रतिदिन 10 से 14 मिनट का समय लगता है आपका, इतना समय भी आप नहीं दे पा रहे हो, तो फिर इतनी बड़ी सक्सेस का बोझ आप कैसे उठाओगे ये बताओ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल पर करंट अफेयर्स को देखो, आपको कहीं पे भी करंट अफेयर्स अच्छा लगता हो, किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से या फिर किसी भी अदर चैनल पर अगर आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है तो डेली के बेस पर उसे तैयार करो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है ये एक सीरियल की तरह चलता है। अगर एक दिन का आप सीक्वेंस मिस करते हो तो अगले दिन का जो सीक्वेंस होता है वो समझने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि डे बाय डे इसकी तैयारी करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप डे बाय डे करंट अफेयर्स को तैयार करते हुए बढ़ोगे तो इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो ये है कि रोज़ का सिर्फ 10 मिनट
अगर आप देते हो तो 30 दिन में आप कितना समय देते हो, आप ये देखो आप 300 मिनट देते हो, 300 मिनट का हो गया यहाँ पे लगभग, यहाँ पे आपको मिला के 5 घंटे का समय मिल जाता है जो कि स्पेयर टाइम में आप दे पा रहे हो। कभी एक दिन में आप 5 घंटे की स्टडी नहीं कर सकते हो, कि कर सकते हो नहीं कर सकते ना, तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि प्रतिदिन आप 10 मिनट दो करंट पे, और ये करंट आपको डेफिनेटली लीड करवा देगा लोगों और जो बाकी के लोग हैं उनसे आपको आगे रखेगा। और अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट का करंट अफेयर्स देखते हो तो उस समय जब परीक्षा करीब आ जाएगी तो जब आप खरीद के ले आओगे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे बुक्स मिलेगी वार्षिकी के नाम से जिसको आप जानते हो, तो जब आप वार्षिकी को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पहले से नॉलेज में है और उनको सिर्फ रिवाइज करना रह जाएगा। पहली बार पढ़ने और रिवाइज करने में जो फ़र्क होता है उसे आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स उसको इग्नोर मत कीजिए, पर डे के बेस पे करंट अफेयर्स को तैयार जरूर कीजिए। मैं प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर्स ला रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सीरियसली उसको बहुत कम लोग वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ऐसे लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और जितने भी वीडियोज आपके लिए मैं लाता हूँ उनको थोड़ा सीरियसली लीजिए, और अगर इसके बाद भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, जवाब आपको मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।